उसके चंद दिनों बाद अमामा स्कूल में कुछ किताबें ले गई थी। प्रे के दौरान वो जब ग्राउंड में आकर बैठी तो अमामा अपने साथ वो किताबें भी ले आई। मैं तुम्हारे और जवेरिया के लिए कुछ लेकर आई हूँ, क्या लाई हो दिखाओ। अमामा ने शॉपर से वो किताबें निकाल ली और उन्हें दो हिस्सों में तकसीम करते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों इन किताबों पर एक नजर डालते ही चुप सी हो गईं। जवेरिया ने अमामा से कुछ नहीं कहा मगर तहरीम यकदम कुछ उखड़ गई। ये क्या है, उसने सर्द महरी से पूछा। ये किताबें मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, अमामा ने कहा। क्यों? ताकि तुम लोगों की गलतफहमियां दूर हो सके। किस तरह की गलतफहमियां? वही गलतफहमियां जो तुम्हारे दिल में हमारे फिरके के बारे में है, अमामा ने कहा। तुमसे किसने कहा कि हमें तुम्हारे मजहब या तुम्हारे नबी के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं, तहरीर ने बड़ी संजीदगी से पूछा। मैं खुद अंदाजा कर सकती हूँ, सिर्फ इसी वजह से तो तुम लोग हमारे घर नहीं आते। तुम लोग शायद ये समझते हो कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं, या हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, या हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बर नहीं मानते। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग इन सब चीजों पर यकीन रखते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारा एक उम्मती नबी है और वो भी इसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामा ने बड़ी संजीदगी के साथ वजाहत करते हुए कहा। तहरीम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताबें इसे वापस थमा दी। हमें तुम्हारे और तुम्हारे मजहब के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है, हम तुम्हारे मजहब के बारे में जरूर से ज्यादा जानते हैं, इसलिए तुमको वजाहत पेश करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने बड़े रूखे लहजे में इमामा से कहा। और जहाँ तक इन किताबों का तल्लक है तो मेरे और जवेरिया के पास इतना बेकार वक्त नहीं है कि इन अहमकाना दावों, खुशफहमियों और गुमराही के इस पलंदे पर वक्त जाया करें जिसे तुम किताबें कह रही हो। तहरीम ने एक झटके के साथ राबिया के हाथ में पकड़ी हुई किताबें खींचकर इन्हें भी अमामा के हाथ में थमा दिया। अमामा का चेहरा खफत और शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गया। इसे तहरीम से इस तरह के तबसरे की तवक्का नहीं थी, अगर होती तो वो कभी इसे वो किताबें देने की हिमाकत ही नहीं करती। और जहाँ तक इस एहतराम का तल्लक है तो इस नबी में जिस पर नबुव्वत का नजूल होता है और उस नबी में जो खुद ब खुद नबी होने की खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है। तुम लोगों को अगर कुरान पर वाकई यकीन होता तो तुम उसे तो तुम्हें उसके एक एक हर्फ पर यकीन होता। नबी होने में और नबी बनने में बड़ा फर्क होता है। तहरीम, तुम मेरी और मेरे फिरका की बेइज्जती कर रही हो, अमामा ने आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं के साथ कहा। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। वो अगर तुम्हें बेइज्जती लगती है तो मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकती, तहरीम ने दो टोक अंदाज में कहा। रोजा रखने में और भूखे रहने में बड़ा फर्क होता है, कुरान पढ़ने और उस पर ईमान लाने में भी बड़ा फर्क होता है। बहुत सारे ईसाई और हिंदू भी इस्लाम के बारे में जानने के लिए कुरान पाक पढ़ते हैं, तो क्या उन्हें मुसलमान मान लिया जाता है? और बहुत से मुसलमान भी दूसरे मजहब के बारे में जानने के लिए दूसरी इल्हामी किताबें पढ़ते हैं, तो क्या वो गैर मुस्लिम हो जाते हैं? और तुम लोग अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मानते हो तो कोई एहसान नहीं करते, तुम उनकी नबुव्वत को झुटलाओगे तो और क्या झुटलाओगे? फिर तो अंजील को भी झुटलाना पड़ेगा जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की खुशखबरी दी गई है। फिर तो तौरात को भी झुटलाना पड़ेगा जिसमें उनकी नबुव्वत की बात की गई है। फिर कुरान पाक को भी झुटलाना पड़ेगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी करार देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को झुटलाता तो वो इन मनाज़रों की क्या तौजीह पेश करता जो वो नबुव्वत का दावा करने से पहले कई साल ईसाई पादरियों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और इस्लाम के आखिरी दिन होने पर करता रहा था। इसलिए मामा हाशिम, तुम इन चीजों के बारे में बहस करने की कोशिश मत करो जिनके बारे में तुम्हें सिरे से कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें ना इस मजहब के बारे में पता है जिस पर तुम चल रही हो और ना उसके बारे में जिस पर तुम बात कर रही हो।
तहरीम ने दो टोक अंदाज में कहा, और मैं एक चीज बता दूं तुम्हें, दीन में कोई जबर नहीं होता। तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत के हतमी होने का इनकार करते हो तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत पर यकीन रखते हैं। अमामा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, तो फिर हम भी अंजील पर यकीन रखते हैं, इसे इल्हामी किताब मानते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुवत पर यकीन रखते हैं, तो क्या हम क्रिश्चियन हैं? और हम तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबुवत पर भी यकीन रखते हैं, तो क्या फिर हम यहूदी हैं? तहरीम ने कुछ तमस्खर से कहा, लेकिन हमारा दीन इस्लाम है, क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं और हम इन पैगंबरों पर यकीन रखने के बावजूद ना ईसाइत का हिस्सा है ना यहूदियत का। बिल्कुल इसी तरह तुम लोगों का नबी है, क्योंकि तुम इसके पैरोकार हो। वैसे तो तुम लोग तो हमें भी मुसलमान नहीं समझते। अभी तुम इसरार कर रही हो कि तुम इस्लाम का एक फिरका हो, जबकि तुम्हारे नबी और इसके बाद आने वाले तुम्हारी जमात के तमाम लीडर्स का दावा है कि जो मिर्जा की नबुवत पर यकीन नहीं रखता वो मुसलमान ही नहीं है। तो इस्लाम से तो तुम लोग तमाम मुसलमानों को पहले ही खारिज कर चुके हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा है? इमामा ने कदरे लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा, तो फिर तुम अपने वालिद साहब से जरा इस मामले को डिस्कस करना, वो तुम्हें खासी अपडेट इंफॉर्मेशन देंगे इस बारे में। तुम्हारे मजहब के खासे सरकर्दा रहनुमा है वो, तहरीम ने कहा। और ये जो किताबें तुम हमें पेश कर रही हो, इन्हें खुद पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा होगा, वरना तुम्हें पता होता कि इन सरकर्दा रहनुमाओं के बारे में। जवेरिया तहरीम की इस सारी गुफ्तगू के दौरान खामोश रही थी, वो सिर्फ किन अखियों से इमामा को देखती रही थी। अल्लाह ताला कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी नबी हैं, और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर गवाही देते हैं कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और मेरी किताब मुझ तक ये दोनों बातें बहुत साफ वाजिया और दो टोक अंदाज में पहुँचा देती है। तो फिर मुझे किसी और शख्स के सबूत और ऐलान की जरूरत नहीं है, समझी? तहरीम ने अपने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, बेहतर है तुम अपने मजहब को या मेरे मजहब को जेरे बहस लाने की कोशिश ना करो। इतने सालों से दोस्ती चल रही है, चलने दो। जहाँ तक तुम्हारे घर ना आने का तल्लक है, तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि मेरे वालिदैन को तुम्हारे घर आना पसंद नहीं है। यहाँ स्कूल में तुमसे दोस्ती और बात है, बहुत से लोगों से दोस्ती होती है हमारी, और दोस्ती में आम तौर पर मजहब आड़े नहीं आता, लेकिन घर में आना जाना कुछ मुख्तलिफ चीज है। इन्हें शायद मेरे किसी ईसाई या यहूदी या हिंदू दोस्त के घर जाने पर एतराज ना हो, लेकिन तुम्हारे घर जाने पर है, क्योंकि वो लोग अपने मजहब को मानते हैं, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते। जिस मजहब से तल्लक होता है वही बताते हैं, और ये भी हकीकत है कि जितना तुम लोगों को नापसंद किया जाता है, इतना उन लोगों को नहीं किया जाता, क्योंकि तुम लोग सिर्फ पैसे के हसूल और अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये नया मजहब इख्तियार करके हमारे दीन में घुसने की कोशिश कर रहे हो, मगर क्रिश्चियन हिंदू या यहूदी ऐसा नहीं करते। इमामा ने बेख्तियार से टोका, किस पैसे की बात कर रही हो तुम? तुम हमारी फैमिली को जानती हो, हम लोग शुरू से ही बहुत अमीर हैं। हमें कौन सा रुपया मिल रहा है इस मजहब पर रहने के लिए? हाँ, तुम लोग अब बड़े खुशहाल हो, मगर शुरू से तो ऐसे नहीं थे। तुम्हारे दादा मुसलमान मगर गरीब आदमी थे, वो काश्तकारी किया करते थे और एक छोटे से काश्तकार थे। रबुआ से कुछ फासले पर इनकी थोड़ी बहुत जमीन थी। फिर तुम्हारे ताया ने अपने किसी दोस्त के तवस्सुत से वहाँ जाना शुरू कर दिया और ये मजहब इख्तियार कर लिया और बेतहाशा अमीर हो गए, क्योंकि इन्हें वहाँ से बहुत ज्यादा पैसा मिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे वालिद और तुम्हारे चचा ने भी अपना मजहब बदल लिया। फिर तुम लोगों का खानदान इस मुल्क के मतमोल तरीन खानदानों में शुमार होने लगा, और ये काम करने वाले तुम लोग वाहत नहीं हो। ज्यादातर इसी तरीके से लोगों को इस मजहब का पैरोकार बना दिया जाता है।
इमामा ने कुछ भड़कते हुए इसकी बात को काटा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम अपने घर वालों से पूछ लेना कि इस कदर दौलत किस तरह आई उनके पास और अभी भी किस तरह आ रही है। तुम्हारे वालिद इस मजहब की तबलीग करते हैं, हर साल लाखों डॉलर्स आते हैं इन्हें गैर मुल्की मिशन और NGO से। तहरीम ने कुछ तहकीर अमेज अंदाज में कहा, ये झूठ है, सफेद झूठ। अमामा ने बेख्तियार कहा, मेरे बाबा किसी से कोई पैसा नहीं लेते और अगर इस फिरका के लिए काम करते हैं तो गलत क्या है? क्या दूसरे फिरकों के लिए काम नहीं किया जाता? दूसरे फिरकों के भी तो उल्मा होते हैं या ऐसे लोग जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। दूसरे फिरकों को यूरोप मिशन से रुपया नहीं मिलता, मेरे बाबा को कहीं से कुछ नहीं मिलता, अमामा ने एक बार फिर कहा। तहरीम ने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा, वो उठ खड़ी हुई।